टीवीएस के थ्री व्हीलर चाहिए तो कुमार ट्रेडिंग कंपनी आइए। जी हाँ, कुमार ट्रेडिंग कंपनी गौशाला के पास जीटी रोड एटा फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र चौहान, मोबाइल नंबर है 9457877449। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, जनपद के सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं आपकी अपनी विभा। जनपद वासियों, आप सभी को मालूम है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेज होती जा रही है। आए दिन उसका प्रतिशत जो लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुझे आपसे पुनः निवेदन करना है कि चुनाव के दृष्टिगत आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आपको चुनाव में वोट डालने से पहले मास्क पहनकर ज़रूर आना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग वोट डालेंगे। आपको यह भी ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे 35 घंटे के लिए पूरे लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है जो 15 मई तक चलेगा। आपको यह भी अवगत कराना है कि इसमें चुनाव से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो प्रभावित नहीं होंगी इस जनपद में। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क ज़रूर पहनें। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का चलान किया जाएगा और मास्क अगर यदि आपने दोबारा नहीं पहना, दूसरी बार चलान पर ये जो वसूली की जाएगी फाइन की, वो 10000 रुपये तक जा सकती है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि इस मास्क की महत्ता को समझें, इसको जाने कि यही आपको जो है इस महामारी से बचा सकता है। हमें एक दूसरे को ये बीमारी पास ऑन करने से जो रोक सकता है वो एक मास्क ही है और सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि सामाजिक दूरी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करें, क्योंकि अब सरकार का रवैया भी इस पर और अति सख्त होता जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की जान इस बीमारी की वजह से जा चुकी है और अब ये बीमारी छोटे बच्चों को भी ग्रसित करने से नहीं छोड़ रही है। छोटे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना है हमें। और उसके अलावा इसमें मोर्टैलिटी रेट, यानी कि मृत्यु की दर है, वो बढ़ गई है। ये एक विषम परिस्थिति हो गई है, विकट परिस्थिति हो गई है। इसलिए हम सबको साथ मिलकर इसमें कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक कलेक्टिव रूप में कार्यवाही करनी होगी। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एटा नगर पालिका का भी एक नंबर, जिसमें आप सैनिटाइजेशन इत्यादि से संबंधित कोई भी अगर जानकारी, सुझाव या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो वो उस नंबर पर कर सकते हैं। नगर पालिका की टीम तुरंत आपके पास आएगी। उसके अलावा इसी तरह के कंट्रोल रूम्स बाकी सभी नगर पालिकाओं में स्थापित किए जाएंगे। एटा की नगर पालिका का नंबर है 233534, यानी कि 233534। इस नंबर को याद रखें और कोई भी शिकायत हो सैनिटाइजेशन से संबंधित या होम आइसोलेशन से संबंधित तो ज़रूर जानकारी दें, और सभी साथ मिलकर चलें, नियमों का पालन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।